हेलो दोस्तों, सीनियर एडिट मैजिक में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो वेडिंग हाईलाइट ऊपर है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं अपना खुद का वेडिंग हाईलाइट डिजाइन करना, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप अपने वेडिंग हाईलाइट को बहुत ही आसानी तरीके से एडिट कर पाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपना वेडिंग हाईलाइट बहुत ही आसानी तरीके से एडिट कर पाए। पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है यूट्यूब पर और वहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है वेडिंग हाईलाइट। तो दोस्तों आपको जो भी वेडिंग हाईलाइट अच्छा लगे तो दोस्तों उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या, अपने एडोब प्रीमियम में इस तरीके दोस्तों इंपोर्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों ये मेरा खुद का वेडिंग हाईलाइट है, मैंने इसको डिजाइन किया है पूरा। तो दोस्तों इसको प्रीमियम प्रो में इस तरीके से इंपोर्ट करने के बाद इसको ला करके आपको अपने टाइमलाइन पे रख लेना है। ओके, जैसे दोस्तों मैंने इसको रख लिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अपने वेडिंग हाईलाइट को इस तरीके से दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा सीन एडिट डिटेक्शन, तो सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखेगा अप्लाई ए कट, तो सिंपल दोस्तों इसको इस तरीके से चेक रहने देना है। और यहाँ दोस्तों लिख रहा है एनालाइज, तो सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, अब ये दोस्तों क्या कर रहा है, सारे फुटेज को एनालाइज करेगा। जहां जहां फुटेज में दोस्तों कट लगा था तो दोस्तों वहां पर ये एनालाइज करके सारे क्लिप पे ये कट लगा देगा, जो जो फुटेज यूज हुआ है ये हाईलाइट को डिजाइन करने में। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा एनालाइज लेगा ये, और ये हर एक पॉइंट पे कट लगा देगा जहां जहां फुटेज यूज हुआ है। तो ये दोस्तों मेरे सारे क्लिप पे कट लग चुका है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं सारे क्लिप पे कट लग चुका है। अब दोस्तों एक बार मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करते होंगे कि जैसे जैसे फ्रेम मैंने यूज किया है अपने वीडियो को बनाने के लिए, जो जो वीडियो जो जो जितने जितने सेकंड का, तो दोस्तों उतने उतने सेकंड का मेरे वीडियो पर कट लग चुका है। जैसे दोस्तों मैंने ये क्लिप जो यूज किया है 2 सेकंड का यूज किया है, आप देख सकते हैं, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्लिप जैसे चेंज होगा तो आप देखिएगा, तो दोस्तों वही पॉइंट से चेंज हुआ है जहाँ पे मैंने अपने दूसरे क्लिप को ऐड किया है, देख सकते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों जो मैंने क्लिप यूज किया है ये भी 2 सेकंड का है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे मैं प्ले, तो दोस्तों जो जो क्लिप मैंने यूज किया है अपने वेडिंग हाईलाइट को बनाने के लिए, तो दोस्तों वहां वहां ये कट लग चुका है सॉन्ग के हिसाब से, जैसे मैंने इसको डिजाइन किया था उस हिसाब से दोस्तों ये कट लग चुका है मेरे क्लिप पे। तो दोस्तों इसको मैं प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फुटेज चेंज हो रहा है, जो ब्राइट का फुटेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक इफेक्ट यूज किया है, इसके वजह से यहाँ पर कट नहीं लग पाया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ जगह आपको भी कट अपने हाथ से ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ। तेरी कहानी हो जिक्र मेरा कहीं, तेरी खामोशी तो दोस्तों आपको ना इसी तरीके से पूरे वीडियो को आपको चला करके एक बार चेक करना है कि ये एकदम सही सही जगह कट लगा है कि नहीं मेरे वीडियो में। जब दोस्तों आप पूरा इसको फाइनल कर ले, फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि अपने कर्सर पॉइंट को एकदम फर्स्ट पे ले आना है। ओके, अब जैसे दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में होटल का सीन मैंने यूज किया है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, अपने वेडिंग हाईलाइट फुटेज को सारा इम्पोर्ट कर लेना है एडोब प्रीमियम में। उसके बाद दोस्तों जैसे मेरे पास होटल का फुटेज नहीं है तो दोस्तों मैं गैलरी ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैं गैलरी यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ओके, और इसका ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ सेट,
तो यहां से दोस्तों मैं क्लिप को अपने छोटा करके सिर्फ जितना मैंने होटल का ड्यूरेशन रखा था क्लिप का, तो दोस्तों उतना ही ड्यूरेशन मैं इस क्लिप का भी रखूंगा। उसके आगे देखूंगा दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अब गैलरी आया, तो गैलरी जगह दोस्तों मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये झूमर का डिटेल मैं यूज कर लेता हूँ, यहाँ का दोस्तों ड्यूरेशन मैं सेट कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपना वीडियो इसी तरीके से इस क्लिप के ऊपर आपको रखते जाना है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा क्लिप है मेरा, उस पर देखते हैं क्या यूज किए हम। अब जैसे दोस्तों मैंने अंदर का जो होटल का नेम है इन्वायरमेंट वो मैंने दिखाया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये यूज कर लेता हूँ, एंट्री पॉइंट है। ओके, इसका ड्यूरेशन मैं सेट कर दूंगा और यहाँ से मैं छोटा करके इसको ले आता हूँ इसके पास और इसको ओके करता हूँ। यहाँ तक सेट कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों मैं सारा क्लिप को सेट कर लूंगा। जैसे दोस्तों मैंने तीन क्लिप रखा है, इसको एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, मेरे क्लिप जब चेंज हो रहे हैं तो दोस्तों उस पर जंप नहीं लग रहा है। बहुत से हाईलाइट क्लिप में क्या होता है दोस्तों, जैसे एडिट करते हैं तो दोस्तों जब क्लिप चेंज होता है ऐसा लगता है ना क्लिप में जंप लग रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई फुटेज बदला हुआ है। इतना नॉर्मल तरीके से दोस्तों ये चेंज हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बिना कोई इफेक्ट आपको नहीं यूज करना है। तो इस तरीके दोस्तों मैं कुछ क्लिप यूज कर लेता हूँ अपने हाईलाइट के इस पे। जैसे दोस्तों ये है, फिर उसके बाद मेरा ये वाला है, तो मैं दोस्तों जल्दी जल्दी इसको यूज कर लेता हूँ। तो डन दोस्तों, ये मैंने इतना क्लिप मैंने यूज कर लिया है अपने फुटेज पे। तो दोस्तों एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ। दोस्तों उसी तरीके से मैंने क्या किया है, उसी क्लिप के ऊपर मैंने उसी तरीके का क्लिप रखते गए और उसी तरीके से दोस्तों मैंने इसको डिजाइन कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बहुत ही अच्छे से आप अपने हाईलाइट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं ऊपर वाले क्लिप को बंद करता हूँ सारा। ओके, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे जो इफेक्ट यूज किया गया मैं वही सेम इफेक्ट अपने वाले ऊपर वाले वीडियो पे यूज कर लिया था। जैसे दोस्तों ये इफेक्ट यूज हुआ है और ऐसा मेरी ब्राइड आई है, तो इस तरीके से मैं इसमें इफेक्ट यूज कर लिया अपने ऊपर वाले पे। इसको मैं इनेबल करता हूँ एक बार। यारा तेरी कहानी, तो उसी तरीके दोस्तों मैंने भी इस पे इफेक्ट यूज कर लिया क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मेरा वीडियो और अट्रैक्टिव लगे। जब बीट पे वीडियो काम करते हैं दोस्तों तो और ही यूनिक लगता है देखने में। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी हाईलाइट को इम्पोर्ट करके प्रीमियम प्रो में एडिट डिटेक्शन करके और इस तरीके दोस्तों आप जो सारे क्लिप कट लग जाएगा दोस्तों आपके, तो आपको क्या करना है उसी तरीके का फुटेज बस उसके ऊपर आपको सेट करने जाना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आपको फाइनल रेंडर मार देना है, आपको हाईलाइट आपका एकदम रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों इस ट्रिक को दोस्तों आप भी यूज करके ऐसे अपने वेडिंग हाईलाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप डिजाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।